सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज सभी चैनल में सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले हैं फेसबुक के डिलीट मैसेज को पढ़ने के बारे में। दोस्तों आजकल जैसे आपके सामने एक ऑप्शन हमेशा आता होगा कि जो भी मैसेज आपने भेजा वो आप विद इन 2 मिनट्स, 3 मिनट, 4 मिनट या आप 7 मिनट्स के अंदर डिलीट करेंगे तो वो किसी की पर्सन के सामने से, किसी भी पर्सन के सामने डिलीट हो जाएगा। अगर उस पर्सन ने सामने डिलीट नहीं करा तब भी उसके सामने डिलीट हो जाएगा और वहाँ पे उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या मैसेज भेजा था। तो यहाँ पे दोस्तों चाहे आप व्हाट्सएप पे जाएँ, चाहे आप फेसबुक मैसेंजर पे जाएँ, आपको दोनों तरफ ये फीचर मिल जाते हैं। तो काफ़ी लोग आपके सामने ऐसा ही करते होंगे, जब भी किसी ने मैसेज भेजा और उसने बंदे ने डिलीट मार दिया, आपने जब चेक करा तो वहाँ दिस मैसेज बाय डिलीटेड लिखा आया, तो इसके में वो बंदा बताता भी नहीं है कि भैया उसने क्या भेजा। तो इसके में आप जानना चाहते हैं अगर किसी की आदत ही बन गई है ऐसा करने की कि जो भी मैसेज भेज रहा है 2 मिनट में डिलीट मार रहा है, तो इसके में आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले ने क्या लिखा था। तो मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी स्मूथ एप्लीकेशन है, काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है और ये आपको चाहे व्हाट्सअप हो चाहे आपको फेसबुक मैसेंजर हो दोनों के ही मैसेज का अपडेट दे देगी कि सामने वाले ने क्या मैसेज भेजा था, क्या मैसेज डिलीट करा था। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी मैसेज को अगर किसी ने डिलीट मार दिया है आपके फेसबुक के अंदर से या व्हाट्सअप के अंदर से इसको पढ़ना है तो इसके अंदर में क्या करना होगा। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ नोटिस सेव के नाम से एक एप्लीकेशन आ रही है, आपको इसे डाउनलोड करना होगा। इस तरह से इसका आइकन है जो बेल का आइकन होता है वैसा इसका आइकन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे इसके डाउनलोड गए हैं, 10 मिलियन तक दोस्तों डाउनलोड गए हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज गए हैं। इसे डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। आप जैसे यहां से इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ परमिशन मांगता है दोस्तों, आपको यहां पे इसको परमिशन दे देनी है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ जाएंगे कैसे इसको परमिशन देनी है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिस को मैंने परमिशन दे दी है, इसको क्लिक करा, ओके कर दिया, जिससे कि इसको सारी एप्लीकेशन जो होगी वो इसे इंटीग्रेट कर लेगा, यानी जितने भी एप्लीकेशन होगी उसको आपको नोटिफिकेशन देने होंगे तो वो यहाँ पर उनको नोटिफिकेशन दे देगा। आप जैसे इसको बैक कर लेंगे, बैक करने के बाद में एप्लीकेशन को ये लोड कर रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहती है, आपको ऑल करके इसको हटा देना है। आप जैसे ऑल करेंगे उसके बाद वापस से ऑल हटाएंगे तो सारी एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको केवल स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर ही नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चाहिए, जैसे कि मुझे केवल फेसबुक के ऊपर या फिर व्हाट्सअप दोनों के ऊपर एक नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चाहिए कि कोई बंदा मैसेज डिलीट मार देता है या फिर मैसेज आ रहे हैं तो मुझे बिना मैसेज पढ़े बिना देखे वहां पर भी उसको देख पाऊँ। अगर कोई मैसेज डिलीट भी मार देगा तब भी दोस्तों यहां पे मैसेज है वो होल्ड करके रख लेता है, सेव करके रख लेता है, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसी बारे में दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया और जो व्हाट्सएप के और मैसेज के जो है उसको परमिशन दे चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दोनों के जो भी मैसेजेस होंगे मुझे रीड हो पाएंगे, चाहे वो डिलीट मारे चाहे ना मारे फिर भी मुझे वो मैसेजेस है वो दिख जाएंगे आसानी से। तो अगर आपको मैसेज पढ़ने हैं इस तरह के कि भैया कोई मैसेज डिलीट कर रहा है वापस से हटा देता है, तो इसके समय ये एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप सबको मिलते रहें।